हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड एवरेज के बारे में। एवरेज का मतलब आपके पास क्या होता है? मीन मतलब आपके पास क्या होता है कि जो आप मीन निकालते हो अपने सिंपल क्वेश्चंस में, लाइक अपने टेंथ में, नाइन्थ में आपने मीन, मॉड, मीडियन के आपने क्वेश्चंस किए होंगे, तो आपके पास जैसे आप मीन निकालते थे उसका आपके पास मतलब क्या है? एवरेज। आपके पास मीन का दूसरा मतलब है एवरेज, इन हिंदी औसत। तो देखो एवरेज की डेफिनेशन आपके पास क्या है। द एवरेज ऑफ अ नंबर इज अ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ नंबर। मतलब क्या है? द एवरेज ऑफ अ नंबर, किसी एक नंबर की एवरेज इज अ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। आप उसको कैसे मेजर कर सकते हो? सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि जो उसकी बीच की, यानी कि बीच वाला आपके पास कोई सेंटर पॉइंट है, उसकी टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ नंबर, किसके साथ? सेट ऑफ नंबर्स के साथ। आपके पास जो नंबर्स का सेट है उसमें जो आपका सेंटर पॉइंट है, सेंटर वाला जो आपका नंबर है, वहां से। मतलब देखो आपके पास क्या है कि आपके पास क्या होता है, मीन का एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली आपके पास एवरेज का भी वही फॉर्मूला होगा। सो आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या होती है? आपके पास जितने आपको ऑब्जर्वेशन गिवन होती हैं उन सबका टोटल, यानी कि आपके पास क्या है x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn तक, अगर आपके पास टर्म जा रही है या एक सीरीज है जो जा रही है ऑब्जर्वेशन की, वो आपके पास क्या है? उनका सम, यानी कि उनका टोटल। बाय में आपके पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि वो आपको कितनी दे रहे हैं, वो 3 है, वो 4 है, वो 5 है, या वो आपके पास n तक गिवन है, या आपके पास इन्फिनिटी है। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास होती है और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास, जिससे आप क्या निकाल सकते हो? एवरेज या मीन निकाल सकते हो। सो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है एवरेज निकालने का आपके पास एन नंबर्स का, x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn इज दिस, an इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक? आपके पास xn तक जाएगा। बाय मीन n यानी कि टोटल नंबर ऑफ आपके जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं वो, यानी कि आपके पास कितने टोटल आपके पास नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, वो, ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला है एवरेज का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है? व्हेन वी हैव टू और मोर ग्रुप हुज इंडिविजुअल एवरेज आर नोन, देन टू फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ ऑल द एलिमेंट। पहले हम यहीं तक डिस्कस करते हैं कि क्या है व्हेन वी हैव टू और मोर ग्रुप्स। अगर हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास क्या हो, दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स आपको गिवन हो, whose individual average, जिसके हमारे को अकेली अकेली एवरेज तो पता हो, लाइक आपके पास दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स हैं जिनके आपको अकेली और अकेली एवरेज तो पता है, बट उनसे रिलेटेड आपको कंबाइंड एवरेज निकालनी है, बट आर नॉन देन टू फाइंड कंबाइंड एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के आपको कंबाइंड एवरेज निकालनी है ऑफ ऑल द ग्रुप्स। सभी ग्रुप्स में वी यूज वेटेड एवरेज, तो हम क्या यूज करेंगे? वेटेड एवरेज। दस इफ वी हैव के ग्रुप्स, अगर मान लो कि आपके पास क्या है, के ग्रुप्स हैं विद एवरेज, एवरेज क्या है उसकी, A1 से लेके आपके पास AK तक, देन आपके पास क्या होंगे, N1 से लेके NK एलिमेंट्स होंगे, देन आपके जो वेटेड एवरेज निकल के आएगी, यानी कि उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जिसको हम डिनोट करेंगे AW से वेटेड एवरेज को, और कैसे फाइंड होगा उसका फॉर्मूला, N1 A1 N2 A2, इनकी सम ऑफ आपके पास, सम किसका, उनकी दोनों की प्रोडक्ट्स का, जो आपने एवरेज लिए और जितने आपने एलिमेंट्स लिए। देखो क्या है इसमें कि आपने एवरेज भी ली के ग्रुप्स की और एलिमेंट्स भी लिए कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे आपके पास, उन दोनों का प्रोडक्ट, बाकी सभी ग्रुप्स का सम। आपके पास सम कितना था, ग्रुप आपके पास कितने थे, के ग्रुप्स थे, सभी का टोटल प्रोडक्ट किसकी आपके पास, एवरेज और एलिमेंट्स की। बाय में आपके पास जितने आपके एलिमेंट्स हैं उनका सम, यानी कि उनका टोटल, ये आपके पास होगा फॉर्मूला। एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं हम इसको। देयर आर टू सेक्शंस, दो सेक्शंस हैं ए एंड बी ऑफ क्लास कंसिस्ट ऑफ 36 एंड 44 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। आपके पास एक क्लास है, लगा लो आपके पास एक टेंथ क्लास है, टेंथ क्लास में आपके पास दो सेक्शंस हैं, एक टेंथ ए है और एक टेंथ बी है, जिसमें आपके पास ए सेक्शन में आपके पास 36 स्टूडेंट्स हैं और आपके पास बी क्लास में 44 स्टूडेंट्स हैं। इफ द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए, जो एवरेज वेट है सेक्शन ए का वो कितना है, 40 किलोग्राम है, और जो सेक्शन बी है उसका आपके पास 35 किलोग्राम है, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है एवरेज वेट किसका, पूरी क्लास का, हॉल क्लास का। सो आप कैसे फाइंड करोगे, AW यानी कि वेटेड एवरेज, साथ में आपके पास क्या होगा, जितना आपके पास एवरेज गिवन होगा, आपके पास क्या है 36 आपके पास गिवन है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 36 थी क्लास में, 36 इंटू में जितना आपके पास वेट था, सेक्शन ए का आपके पास वेट कितना था 40, प्लस में आपके पास क्या होगा,
सेक्शन बी क्लास के लिए आपके पास 44 एंड सेक्शन बी के लिए वेट 35। बाय में टोटल किसका आपके पास होगा, जितने आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे 36 + 44, इनको मल्टीप्लाई देन ऐड करके आप ये आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट एवरेज। वो क्या है देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द एवरेज ऑलवेज लाई अबव द लोवेस्ट नंबर ऑफ द सेट एंड बिलो हाईएस्ट नंबर ऑफ द सेट। यानी कि जो आपकी एवरेज होगी वो हमेशा लाई करेगी अबव द लोवेस्ट नंबर, यानी कि लोवेस्ट नंबर जो आपका होगा उससे अबव यानी कि ऊपर सेट की, एक सेट की एवरेज आपके पास कहाँ लाई करेगी, हमेशा लोवेस्ट नंबर के ऊपर और हाईएस्ट नंबर के नीचे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, द नेट डिफिक्ट ड्यू टू द नंबर बिलो द एवरेज ऑलवेज इक्वल द नेट सरप्लस ड्यू टू नंबर्स अबव द एवरेज। यानी कि जो आपका नेट लॉस होगा ड्यू टू नंबर्स की वजह से बिलो द एवरेज, जो उसकी एवरेज आपकी बिलो में जा रही ऑलवेज इक्वल, वो किसके इक्वल होगी, द नेट सरप्लस ड्यू टू नंबर्स अबव द एवरेज। जो आपका नेट सरप्लस यानी कि जो आपकी एक्स्ट्रा में जो आपके पास नंबर्स की एवरेज आएगी अबव वालों की, उसके इक्वल होगा। यानी कि जो लॉस होगा आपके पास किसी सेट की एवरेज के नंबर का, वो आपके पास इक्वल होगा जो आपके पास एक्स्ट्रा नंबर्स का आपके पास एवरेज होगा अबव वाले सेट का। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एजेस एंड एवरेजेस। एजेस और एवरेजेस आपके पास क्या है, इफ द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज एक्स ईयर, अगर जो एवरेज एज है किसी ग्रुप के पर्सन की वो क्या है एक्स ईयर्स है, टूडे देन आफ्टर एन ईयर्स, आज की और एन सालों बाद की, एन कुछ भी हो सकता है आपके पास, वो 3 साल 2 साल 5 साल 10 साल या 20 साल जितने साल भी, देयर एवरेज विल बी एक्स प्लस एन। तो एवरेज एज क्या होगी उसकी, एड होगी आपके पास एक्स प्लस एन होगी। ऑल्सो एन ईयर एगो, यानी कि जो पहले वाला टाइम था, देयर एवरेज वुड हैव बीन एक्स माइनस एन, यानी कि उतने साल वो उतने कम ही होगी। वो एन आपके पास कितने हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी या 20, जितने भी आपके पास हो सकते हैं। दिस हैपन ड्यू टू द फैक्ट फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये आपके पास कब होगा, वो फैक्ट आपके पास होगा जब आपके पास किसके लिए होगा, वो फैक्ट के लिए जब आपके पास क्या होगा कि ग्रुप होगा पीपल्स का, लोगों का ग्रुप होगा, वन ईयर इज एडेड टू ईच पर्सन एज एवरी ईयर, हर एक पर्सन की एज में आप एक ईयर को एड करोगे। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एवरेज। नेक्स्ट आपके पास गिवन है कुछ क्वेश्चंस, सॉल्व क्वेश्चंस आपके पास गिवन है। क्वेश्चंस आपके पास क्या है कि देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, ड्यू टू द एडमिशन ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस वेयर इंक्रीज्ड बाय ₹42 पर डे, व्हाइल द एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर पर हैंड डायमेंशन बाय ₹1 द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस वाज। मतलब क्या है कि 35 स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल में, जब आप एडमिशन हुआ 7 नए स्टूडेंट्स का, तो जो मेस की जो फीस थी वो इंक्रीज हुई पर डे की ₹42। तो आपके पास जो एवरेज एक्सपेंडिचर होगा यानी कि एवरेज जो फीस होगी पर हैंड डायमेंशन बाय ₹1 के लिए, द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर यानी कि आपको मेस की जो ओरिजिनल फीस है उसके बारे में आपको निकालना। तो देखो क्या गिवन है यहाँ पे, ऑप्शन ₹450, ₹320, ₹550, ₹420। लेट ओरिजिनल एवरेज एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल एवरेज एक्सपेंडिचर आपके पास क्या होंगे, ₹x होंगे, जो 35 स्टूडेंट के लिए है तो वो ₹35x होंगे। देन आफ्टर एडमिशन ऑफ 7, अगर जब एडमिशन हुआ कि इनका 7 न्यू बच्चों का, उसके बाद जो एवरेज है आपके पास वो क्या होगी, x-₹1 होगी, क्योंकि वो कितनी है ₹1 के लिए बोला उन्होंने। टोटल आपके पास क्या हो जाएगी, 42x-₹1। सो किसके इक्वल आ जाएगी, 42x-1 - 35x = 42, क्योंकि पर डे की आपके पास जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, ₹42 थी। सो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, 42x - 42 - 35x, 42 - 35 7x, एंड 42 + 42 आपके पास 84, देन x = 84/2 = 12, देन x की वैल्यू आपके पास क्या आई, 12, और ओरिजिनल आपके पास जो कॉस्ट थी वो क्या थी आपके पास, 35 × 12। अब 35 को 12 से, क्योंकि x आपके पास आएगा तो x को आप क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे, देन आपके पास क्या आएगा, ₹420। देन आपके पास ये क्या आ जाएगा, ₹420। सिमिलरली आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं ये, और कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस भी हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। सो आप वहां से इजिली प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स सो प्लीज राइट टू मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।